हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है करंट अफेयर सीरीज़ में गीक्स आइडिया पे। आज 4 सितंबर 2020 है, तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। फिर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, बिकॉज़ आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। ESL एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड ने बोला है कि हम प्रोक्योर करेंगे 250 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम टाटा मोटर्स एंड हुंडई मोटर्स। ये गवर्नमेंट यूज़ के लिए लाए जाएंगे। टाटा मोटर्स 150 नेक्सॉन इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUVs देगा और हुंडई मोटर्स से क्या लिया जाएगा, 100 कोना इलेक्ट्रिक SUVs। एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ किस लिए किया जाएगा, ताकि कार्बन एमिशन कम हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू प्रोड्यूस 6 मिलियन इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स अंडर नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान 2020। ये स्कीम याद रखनी है क्योंकि हमारे सिलेबस में है। इसके लिए ये जो स्कीम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, क्या किया गया, फिर GST को 12% से 5% किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एक स्कीम लाई गई, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FAME। यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली पब्लिश्ड एन एनुअल रिपोर्ट ऑन चाइनीज मिलिट्री पावर। चाइनीज मिलिट्री पावर पे यूनाइटेड स्टेट्स ने एक रिपोर्ट निकाला है, जिसके हिसाब से चाइनीज नेवी इज नाउ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, क्योंकि चाइना के पास 350 शिप्स है और USA के पास है 293। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मॉस्को चले गए हैं, कल भी हमने पढ़ा, टू अटेंड द मीट ऑफ SCO। तो वहाँ पे उन्होंने डील एक साइन किया है, किससे रिलेटेड, AK-203 राइफल से रिलेटेड। ये क्या है, ये न्यू वर्जन ऑफ AK-47 है, तो और ये रिप्लेस करेगा INSAS। INSAS क्या है, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, 5.56x45mm असॉल्ट राइफल। व्हाट इज सीक्रेट टू स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में एक फोर्स है जिसका नाम है SSF। ये क्या है, इसका दूसरा नाम एस्टैब्लिशमेंट 22 भी है। इसको ये नाम एस्टैब्लिशमेंट 22 क्यों पड़ा, आफ्टर इट इज फाउंडर सुजन सिंह उबान, हु कमांडेड दिस 22nd माउंटेन रेजिमेंट इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसलिए इसको एस्टैब्लिशमेंट 22 नाम पड़ा है। ये कब बनाई गई थी, 1962 में, वाइल इंडिया इंडो चाइना वॉर वॉज ड्रॉइंग क्लोज। इनको ट्रेनिंग दी थी CII ने भी, रॉ ने भी इनको ट्रेनिंग दी थी। कावेरी कॉलिंग क्या है, ये एक कंपेन स्टार्ट की गई थी बाय ईशा फाउंडेशन सदगुरु जग्गी वासुदेव इन 2019, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज लॉन्च्ड इमिडिएटली आफ्टर द कावेरी रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज जॉइंटली बींग इम्प्लीमेंटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। अंडर द प्रोजेक्ट 25 करोड़ सैपलिंग्स आर टू बी प्लांटेड। छोटे पौधे 25 करोड़ उगाने हैं, ताकि ग्रीनरी बढ़ जाए। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी, प्रकाश जावड़ेकर ने अनाउंस किया है कि सेंटर इज़ वर्किंग रेजुविनेशन ऑफ 30 रिवर्स, यानी कि 13 दरियाओं को साफ किया जाएगा, उन पर काम किया जाएगा। वो कौन से है, वो उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया है टू स्टे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर टू स्ट्राइक डाउन द डिसीजन ऑफ मेकिंग इंग्लिश द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। आंध्र प्रदेश ने इंग्लिश मीडियम को बोला था कि ये बन जाएगा मीडियम ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स, तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया है। क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है सेक्शन 29 ऑफ राइट टू एजुकेशन 2019। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन चाइल्ड मदर टंग, क्योंकि बचपन तक क्लास 5th तक चाइल्ड मदर टंग में ही पढ़ाया जाए, क्योंकि इनको वही समझ आता है, ताकि मदर टंग प्रमोट हो जाए, लोकल लैंग्वेजेस प्रमोट हो जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी दैट वाज रिसेंटली लॉन्च स्टेट्स दैट द स्टूडेंट टिल क्लास 5th शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज। ऑल्सो द पॉलिसी इंट्रोड्यूस 3 लैंग्वेज फार्मूला एज पर रिकमेंडेशन मेड बाई कोठारी कमीशन इन 1968। ये कमीशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा ये किससे रिलेटेड है। यूनेस्को की यूल प्रोक्लेमेशन है, जो कि लॉन्च किया गया था 2018 में चांगशा चाइना में, तो जिसका एम ये है टू प्रोटेक्ट लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटी।
यूनाइटेड नेशंस ने प्रोक्लेम किया है 2019 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज। आर्टिकल 29 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिंग्विस्टिक राइट्स देता है किनको, माइनॉरिटीज को। और आर्टिकल 121 पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाए और कोई मेंबर वहां पे अपनी मदर टंग में भी भाषण दे सकता है, अपनी मदर टंग यूज कर सकता है, यह है आर्टिकल 120। करंट यूरोपियन प्रेसिडेंट और जर्मनी ने लॉन्च किया है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, ये लॉन्च किया गया विद इंडिया, ये चाइना के अगेंस्ट एक्चुअली किया गया है क्योंकि इंडो पैसिफिक में चाइना अपनी जमा रहा है तो उसी को अगेंस्ट करने के लिए जर्मनी ने इंडिया के साथ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी लॉन्च की। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है एनहांस्ड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस फॉर फूड सिस्टम्स, ऐसे रिपोर्ट्स पूछे जाते हैं। इंडिया इज टू होस्ट समिट ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ SCO इन नवंबर 30। कर्नाटका कैबिनेट ने अप्रूव किया है न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी, इसका मकसद क्या है, टू कंट्रीब्यूट 30% टू इंडियाज गोल ऑफ बिकमिंग ए ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी, यानी कि जो इंडियन इकॉनमी में है उसमें से कंट्रीब्यूट ज़्यादा कौन करना चाहिए, IT इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है दैट देयर विल बी नो क्वेश्चन आवर जीरो आवर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल ड्यूरिंग मॉनसून सेशन। ये क्वेश्चन आवर जीरो आवर क्या है ये हम पॉलिटिकल सीरीज में पढ़ाएंगे। सिक्किम ने सेलिब्रेट किया है पैंग लसोल, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है मुझे पूरा पता नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है कि ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है। नेशनल अवार्ड टू टीचर्स NET 2020 किसको मिला है, सुधा पेनुली जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है, ये स्कूल्स अंडर मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आते हैं। अविक सरकार को अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। मुरली रामाकृष्णन को MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडिया बैंक अपॉइंट किया गया है। S. Krishnan को MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक अपॉइंट किया गया। इंडियन रेलवेज को उनको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उनमें कुछ बदलाव लाया गया और इंडियन रेलवेज में पहली बार CEO बनाया गया, वो पहला फर्स्ट एवर CEO ऑफ इंडियन रेलवेज किसको बनाया गया, VK यादव को। PM ऑफ लेबनान कौन है, उसको नया अपॉइंट किया गया है, मुस्तफ़ा अदीब। सिस्टोमस ग्रेसिलस डिस्कवर किया गया, ये क्या है, न्यू स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर फिश फ्रॉम गंगा, इसको किसने डिस्कवर किया, केरला एंड वेस्ट बंगाल रिसर्चर्स ने। बल्क ड्रग पार्क एक बनाया जाएगा, आंध्र प्रदेश बनाएगा अपनी स्टेट में विद CSIR IICT। IICT क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। MSME इकोसिस्टम बनाया जाएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र ने इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है SIDBI के साथ। लेटेस्ट ड्रीम एक बुक है, ये किसकी बुक है, पोप फ्रांसिस न्यू बुक दिसंबर में लॉन्च की जाएगी। डेविड केपल की देहांत हो गई, वो कौन थे, वो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और करंट अफेयर भी अच्छे से समझ आया होगा। इसको रिपीट कीजिए, वीडियो को जितना रिपीट करोगे, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियोज इसलिए रखते हैं ताकि आप रिपीट कर पाओगे फास्ट फॉरवर्ड करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।